राजस्थान के बारा छिपाब दौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र समेत अन्य कई क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदा के कारण काफी नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए ग्राम पंचायत डोलम के सरपंच प्रतिनिधि एवं कांग्रेस नेता ब्रजराज मीणा और पूर्व सरपंच एवं जिला महासचिव द्वारका लाल नागर डोलम ने बताया कि वर्तमान में कुछ दिनों तक हुई तेज मूसलाधार जोरदार बारिश के कारण आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए गाँव के किसानों और उनके कच्चे पक्के मकान क्षति हुए हैं, जिसके कारण प्रत्येक गाँव की सैकड़ों बीघा की फसलें चौपट हो गई हैं और कच्चे पक्के मकान धराशायी होकर गिर गए हैं। साथ ही कई जगहों पर पानी उतरने के बाद मंजर और भी खतरनाक साबित हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा भयानक था कि जब बाढ़ का पानी उतरा तो उस समय घरों में खाने पीने ओढ़ने पहनने और बिछाने का कुछ भी नहीं बचा। साथ ही उन परिवारों को खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। वहीं किसानों के खेतों में फसलों के साथ साथ जमीन भी खुद कर बाढ़ में बह गई है, जिसके कारण किसानों को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंची है, जिसको लेकर सरकार से मांग की है कि सरकार द्वारा जल्द से जल्द कर्मचारियों द्वारा गांव-गांव जाकर फसलों एवं जो पानी में बहे और गिरे कच्चे पक्के मकानों का उचित सर्वे करवा कर पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। ये जो अभी प्राकृतिक आपदा से जो बाढ़ आई है, इससे जो लोगों का जो नुकसान हुआ है, तो इसको लेकर के आपने राज्य सरकार से क्या क्या मांगे की क्या? राज्य सरकार से हमने यह मांग रखी कि पहले तो जो अतिवृष्टि से मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं गरीब व्यक्तियों के, इसके अलावा जो फसल में खराब हुआ है सोयाबीन है मक्का है, उसका समय पर ही सर्वे कराकर सरकार किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की। कितने गांव है आपकी ग्राम पंचायत में? हमारी ग्राम पंचायत में 5 गाँव है, जो निम्न प्रकार के डोलम है, अर्णावती जागीर है, खेल के लिए रतनपुरा है और किन्नारा है। तो इन गाँवों में लगभग कितना नुकसान? वो नुकसान का आकलन तो पटवारी मंडल आकर ही मौके पर जाकर ही चेक। जी सर, अभी जो ये प्राकृतिक आपदा से जो बाढ़ आई है और इसमें जो किसानों का और आमजन का जो नुकसान हुआ, इसको लेकर आपकी क्या योजना है सरकार से किसानों के प्रति? इसमें यह है कि अभी जो भारी पानी बरसा है और रेगुलर फसल बोने के बाद से रेगुलर पानी जो गिरा है, उससे किसानों की पूरी फसलें चौपट हो चुकी है। मक्का, सोयाबीन, उड़द, तिल्ली, सारी फसलें चौपट हो चुकी है। मेरा तो यही है कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार इसका सर्वे करवाए और किसानों को उचित मुआवजा दे, नहीं तो किसानों की। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।